मुद्राएं के माध्यम से हमारे प्राणों का प्राण कुछ प्राणों की शक्तियों का नियमन होता है। मुद्राएं कैसे लगती हैं, मुद्राएं क्या होती हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। और मुद्रा को लगाने से पहले सबसे पहले हम बैठने की अपनी स्थिति बनाएं। हम पद्मासन में, जैसे ये पद्मासन में लगा रहा हूं, पद्मासन में, सुखासन में, और जिस आसन में भी बैठ सके हम उसमें बैठे। ये जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों का बना हुआ है, पांच तत्वों का संघात है। ये जो पांच तत्व है ये हमारी पांचों उंगलियां इन पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो हमारी तर्जनी है ये हमारे वायु का प्रतीक है। ये जो हमारी मध्यमा है ये हमारे आकाश का प्रतीक है। ये जो हमारी अनामिका है, रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी का प्रतीक है। और ये जो हमारी कनिष्का है ये जल का प्रतीक है। जब ये पांचों तत्व समस्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। लेकिन जब ये पांचों तत्व विषम स्थिति में, यानी समस्थिति में नहीं होते, तो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के रोग हो जाते हैं। तो इन्हीं विषम स्थितियों को नियमन करने वाली, ठीक करने वाली जो मुद्राएं हैं उसको हम बताते हैं कि मुद्राओं मुद्रा है क्या। शास्त्र कहते हैं नास्ति मुद्रासम सिद्धिम स्थिति मंडली, अर्थात इस पृथ्वी पर मुद्रा के जैसी सिद्ध देने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, अन्य कोई कार्य नहीं है। अर्थात जहां हम एक और आसनों के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से अपने तत्वों का नियमन करते हैं, वहीं हम दूसरी ओर इन मुद्राओं के माध्यम से अपने प्राणों का नियमन करते हैं। प्राण से प्राण का उपचार करते हैं। प्राण यानी हमारे शरीर में तीन दोष है। तीन दोषों में एक दोष है वात दोष, एक दोष है पित्त दोष और एक दोष है कफ दोष। वात दोष से संबंधित हमारे शरीर में 50 से 60 बीमारियां होती हैं। पित्त से संबंधित हमारे शरीर में लगभग 25 से 30 बीमारियां होती हैं। कफ से संबंधित हमारे शरीर में लगभग 20 से 25 बीमारियां होती हैं। तो आज हम आपको वायु मुद्रा के बारे में बताएंगे कि कैसे वायु मुद्रा लगती है और इस वायु मुद्रा के माध्यम से हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में लाभ ले सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया, अंगूठा हमारा अग्नि का प्रतीक है और ये जो तर्जनी है ये वायु का प्रतीक है। जब हम तर्जनी को ऐसे अंगूठे के नीचे दबा लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे दबा लेते हैं, तो ये हमारी वायु मुद्रा बन जाती है। और इस वायु मुद्रा के लगने से ही हम जब हम अपनी कमर सीधी और गर्दन सीधी रखते हैं तो इसके लगने से देखिएगा कि आपके शरीर में जो जितने भी वायु संबंधी, वात संबंधी, विकार संबंधी रोग है उनमें आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। हम शुरुआत करते हैं गर्दन से। अगर हमारे गर्दन में सर्वाइकल का दर्द है, गर्दन में किसी भी तरह का कोई दर्द है, वो वात के बिगड़ने से होता है, तो इस वायु मुद्रा के लगाने से गर्दन का दर्द ठीक होता है। उसी के नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में, रीढ़ की हड्डी में आने वाली विकृतियों को दूर करने में वायु मुद्रा हमारा मदद करती है, हमारी मदद करती है, अर्थात कमर दर्द में मदद करती है। वायु मुद्रा हमें अर्थराइटिस में मदद करती है। अर्थराइटिस जिसको हम कहेंगे कि हमारे बात के बिगड़ने से जो हमारे जोड़ों में जो फॉरेन एलिमेंट्स यानी विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं, तत्व बनने लग जाते हैं, उन तत्वों को दूर करने में, उनको आरोग्य बनाने में ये वायु मुद्रा हमारी लाभ करती है। उसके साथ साथ ही वायु मुद्रा हमारे सियाटिका पेन से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। वायु मुद्रा जब हम लगाते हैं तो हमारा सियाटिका पेन में भी ये हमें लाभ देता है। वायु मुद्रा हमारे पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज जब होता है, वायु विकार से होता है, बात के बिगड़ने से होता है, और जब हम वायु मुद्रा लगाते हैं तो हमें गैस, एसिडिटी में भी लाभ मिलता है। वायु मुद्रा हमें कंपुवात यानी पार्किंसंस जैसी बीमारी में, जब हमारे इम्यूनिटी डाउन होने लग जाता है, बिगड़ने लग जाती है इम्यूनिटी, कमजोर होने लग जाती है, तो ये हमें पार्किंसंस यानी कंपुवात में भी वायु मुद्रा हमें लाभ देती है। इसके साथ साथ वायु मुद्रा का जो सबसे बड़ा लाभ मैं समझता हूं मेरी दृष्टि में, और मैं शास्त्रों में भी जैसे कहा गया है कि वायु मुद्रा का जो सबसे बड़ा लाभ है वो पक्षाघात
यानी जो पैरालिटिक अटैक है, पैरालिटिक अटैक जिसकी वजह से हमारे शरीर सुन होने लग जाते हैं, हमारे हाथ पैर सुन होने लग जाते हैं, हमारा एक हिस्सा सुन हो जाता है, और जब हम वायु मुद्रा लगाते हैं तो धीरे धीरे वायु मुद्रा लगाने से हम उस जो हमारा पक्षाघात है ना, यानी पैरालिटिक अटैक है, उससे भी हम निजात पा सकते हैं, उससे भी आराम पा सकते हैं। आप वायु मुद्रा को कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं आप, और आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, 5 मिनट से लेकर आधा घंटे भी किया जा सकता है इसका अभ्यास, जैसी बीमारी है वैसा अभ्यास करें। और इस वायु मुद्रा को लगाने से अपने इतनी अच्छा, सबसे बड़ी बात, वायु वात के बिगड़ने से हमारे रक्त का संचरण बिगड़ जाता है, खून का संचरण बिगड़ जाता है, शरीर में रक्त सही तरीके से प्रवाहित नहीं होता, और जब प्रवाहित नहीं होता तो फिर से डिपोजिट शुरू हो जाते हैं जोड़ों में, शरीर के विभिन्न अंगों में, और उससे हमें परेशानी, बीमारी, कष्ट, परेशानियां होने लग जाती हैं। तो हमारा इससे रक्त संचरण भी ठीक होता है। तो आओ, आज हमने आपको वायु मुद्रा के बारे में बताया कि मुद्रा के जैसा सिद्धि देने वाला कोई भी कर्म इस धरती पर और नहीं है, सफलता देने वाला कोई भी काम और इस धरती पर नहीं है। और आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध आपको मुद्रा में दिखाई देते हैं, महावीर जैन आपको मुद्रा में दिखाई देते हैं, और इस तरह से बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि सब आपको मुद्राओं में दिखाई देते हैं। तो मुद्राओं के माध्यम से हम अपने प्राणों का नियमन करते हैं, तत्वों का, पंच तत्वों का नियमन करते हैं, तीनों दोषों में, यानी हमारे शरीर में जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं, उन अंगों का जो नियमन है ये हमारी इस मुद्रा से होता है। तो आज हम वायु मुद्रा और वायु मुद्रा किससे संबंधित लाभों के बारे में हमने बात किया। हम लोग अपने घर में बैठ करके आराम से बिना किसी तैयारी के, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, इसमें बड़े आसानी से हो जाती है वायु मुद्रा, आराम से आसानी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि बैठने की स्थिति आप ठीक होनी चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और ये जो तर्जनी है ये अंगूठे के नीचे दबी होनी चाहिए, और बाकी उंगलियां सीधी होनी चाहिए। उंगलियां आपके सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जब हम इस तरह से इसको बना देते हैं ये मुद्रा, ये हमारा जब आप तर्जनी को अंगूठे के नीचे दबाते हैं वायु मुद्रा बनती है, और वायु मुद्रा के इतने सारे लाभ हैं। यानी अंततः मैं ये कहूं कि वायु मुद्रा से बात संबंधी लगभग सभी रोगों में लाभ मिलता है।